हे हेलो गाइस, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक फायर करने वाले हैं अपना सबसे पहला जिंक सल्फर रॉकेट मोटर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जिंक सल्फर रॉकेट मोटर मैंने बनाया है ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला जिंक सल्फर रॉकेट मोटर है, जिसकी वजह से मैं इसे स्टैटिक फायर कर रहा हूं। और इसे लॉन्च क्यों नहीं कर रहा हूं? लॉन्च इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रॉकेट मोटर है, एक तो सबसे पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा, वहाँ पर मेरे इधर देखो ना, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। जहाँ पर मैं लॉन्च करता था वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से मैं इसे लॉन्च नहीं कर सकता। और यहाँ जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर इसलिए लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार है, कहीं किसी घर में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जिंक सल्फर रॉकेट मोटर की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इसे फायर भी करते हैं वापस ऊपर से आके नीचे भी गिर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, और किसी के सर पे गिर गया ना तो समझ लो खुल सकता है, पूरा दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, रॉकेट वाली वीडियो तो थोड़ा सा पॉज कर रखो यार, क्योंकि अभी कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, अभी ठंडी आ रही है और शुगर रॉकेट प्रोपेलेंट जानता को पता हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो इस समय मतलब वीडियो में थोड़ा पॉज रखो, थोड़ा सा सपोर्ट करो रॉकेट के वीडियोज़ के लिए, और सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस ये देख सकते हो, ये है हमारा जिंक सल्फर रॉकेट मोटर। ये देखने में एकदम शुगर मोटर की तरह लगेगा, हालांकि मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ जिंक सल्फर रॉकेट फ्यूल भरा हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ कर दी, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे बस एंड कैप रखा हुआ है, नहीं एम सील लगी हुई है, यहाँ पर ऊपर भी एम सील लगी हुई है। और ये कुछ हमारा सीमेंट का बना हुआ स्टैटिक टेस्ट स्टैंड है, जिस पर हम इसे अच्छे से टेप से बांध दिया है। अब यहाँ पे मैंने गलतियाँ क्या क्या की हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैंने मार्क किए थे नोज होल ड्रिल करने के लिए, ताकि एम सी एल से बाहर आ जाए, इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सके, लेकिन मैं वो करना भूल गया और मैंने नोजल जो है कुछ वैसे ही बना दिया। तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जो नोजल है ये ब्लो आउट कर जाए, तो जो भी होगा देखा जाएगा। हालाँकि अब हम इसे स्टैटिक टेस्ट करने वाले हैं, और ये वीडियो मैं स्लो मोशन में करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास दो कैमरास तो हैं नहीं, मतलब मोबाइल है नहीं जिससे मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि इस समय मैं अकेले रिकॉर्ड करता हूं, आपको पता होगा। तो मैं इसे स्लो मोशन में इसलिए करूंगा क्योंकि अगर ये ब्लो करता है ना तो इसके अंदर का मैं इसे स्लो मोशन में अच्छे से स्टडी कर पाऊं कि क्या गलती हो गई भाई। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा शाम हो जाने देते हैं, क्योंकि हमको ग्रीन प्रोपेलेंट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता है, क्योंकि पता होगा ना जिंक सल्फर जब जलता है तो ग्रीन कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और हाँ भाई, वीडियो को पूरा देखा करो यार, वरना सजेशन में नहीं जाती भाई। गाइस यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम नहीं है क्योंकि मेरी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉ वाली फ्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंपली इसके अंदर क्या हुआ, जिंक सल्फर फ्यूल ही भर दिया है मैंने, गन पाउडर नहीं, क्योंकि उससे इग्नाइट नहीं होगा, इसे इग्नाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसे चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होगे कि हमारा रॉकेट मोटर जो है अच्छे से काम नहीं किया और एकदम बर्बाद हो चुका है भाई। और यहाँ पे देख सकते होगे इसकी केजिंग जो है वो फट चुकी है, अभी भी काफ़ी गर्म है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ये काले कलर का कंपाउंड क्यों बना है, हालांकि ये जिंक सल्फाइड ही है। मुझे लगता है कि जिंक सल्फाइड जो फॉर्मेशन होता है ना उसका रेशियो पर डिपेंड करता है कलर कितना होगा, तो या फिर हो सकता है इसके अंदर के जो और कोई मटेरियल हो वो हो, लेकिन जिंक सल्फाइड जो है मोस्टली वाइट कलर का होता है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर लगा जिंक सल्फाइड ना, ये जिंक सल्फाइड है और ये फॉस्फोरेशन नाम का फिनोमेना शो करता है। हालांकि ये टेस्ट अनसक्सेसफुल रहा, मैं अभी यानी कल फिर से एक टेस्ट लूँगा और उसे आपको दिखाता हूँ, देखता हूँ सक्सेसफुल रहता है कि नहीं। चलिए दोस्तों अगले टेस्ट का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों ये है दूसरा दिन और मेरे पास है भैया दूसरा जिंक सल्फर रॉकेट मोटर। दोस्तों आप एक बात बताना कि फ्यूल और प्रोपेलेंट में अंतर क्या होता है, कुछ होता है अंतर तभी यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं एकदम स्टैटिक टेस्ट पर लगाता हूँ, उसके बाद इसे चेक करके देखते हैं। पहला वाला तो काम नहीं किया, और हाँ इसे मैं नॉर्मल कैमरा से शूट करूँगा, मतलब स्लो मोशन नहीं रहेगा, पहले नॉर्मल से करूँगा फिर उसके बाद जो है वीडियो एडिटर से इसे स्लो मोशन में कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों इसकी मैं स्टैटिक टेस्टिंग ले लेता हूँ। तो गाइस वहाँ पे देख सकते होगे कि हमने रॉकेट मोटर को अपने टेस्ट स्टैंड से बांध दिया है। अब दोस्तों इग्निशन के लिए मैं सिंपली वही पुराना तरीका और खतरनाक तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं अपना फ्यूल डाल दूंगा और उसके बाद उस फ्यूल को इग्नाइट करूंगा, और उस फ्यूल को मैं लेके पूरा होल तक अंदर भर दूंगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम भी ख़राब है और ये जिंक सल्फर रॉकेट फ्यूल है ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकली ही इग्नाइट हो सकता है या फिर डायरेक्ट फ्लेम पे।
चलिए दोस्तों इसे जलाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होगे भाई कि हमारा रॉकेट मोटर जो है ब्लास्ट कर चुका है और इसके अंदर फ्यूल जो है अभी भी बचा है, बहुत ज़्यादा फ्यूल जो इसके अंदर बचा है। और ये काफ़ी ख़तरनाक था क्योंकि ये पहली बार था तो मेरा इससे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जिंक सल्फर रॉकेट मोटर से। मुझे पता था कि चैम्बर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे पहले से पता था क्योंकि मेरी जो टेक्निक थी वही गलत थी। हाँ पता था कि गलत थी फिर भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा चारा ही नहीं था भाई इग्नाइट करने का। मेरी बैटरी तो पहले से ख़राब है, यहाँ पर आप देख सकते होगे। मैं इसे बाहर निकालता हूँ, उसके बाद आपको इसके अंदर का प्रोपेलेंट दिखाता हूँ, इस स्टैंड से बाहर निकालता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते होगे कि मेरे पास ये रॉकेट मोटर है जो कि मैंने जिंक सल्फर से बनाया था, ये ब्लास्ट कर चुका है। जब रॉकेटरी में कभी भी कोई दुर्घटना हो जाती है यानी कोई मिसअप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं CATO, कैटास्ट्रोफिक फेलियर। तो यहाँ पर होता क्या दोस्तों, हुआ क्या नहीं, यहाँ पर हुआ ये है कि मुझे लग रहा कि इसका चैम्बर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसका जो कॉज था मैंने इसके अंदर पाउडर फिल किया, वो पाउडर अचानक से पूरा बर्न किया तो उसने क्या किया ऊपर वाले हिस्से का, जो ऊपर वाला जो चैम्बर प्रेशर का हिस्सा था उसे प्रेशराइज कर दिया जो कि एकदम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया और इस तरह से फूट गया। हालांकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखनी होंगी जो कि इस जिंक सल्फर के प्रेशर को टॉलरेट कर पाएँ। हालाँकि ये PVC भी टॉलरेट कर ले जाएगा, दिक्कत यह है ना कि इनके पास हीट ऑफ कम्बशन जो होती है काफ़ी कम होती है, अगर ज़्यादा रहती तो PVC मेल्ट कर जाता तब वो ठीक रहता जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कर गया था। लेकिन कोई नहीं इसे हम जला देते हैं क्योंकि मुझे इससे जिंक सल्फाइड मिल जाएगा जो कि फास्फोरेंस नाम का फेनोमेना शो करता है और उसे मैं इस्तेमाल कर लूँगा अपने आने वाले किसी एक्सपेरिमेंट्स में। तो चलिए दोस्तों एक कंटेनर लाता हूँ, उसके अंदर इसे जलाता हूँ, वो काफ़ी अच्छा लगेगा और उसे मैं स्लो मोशन में करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मुझे इतना सारा जिंक सल्फाइड मिल चुका है। आप ऐसा तुरंत मत करना, तुरंत छूना मत, मैं छू नहीं रहा हूँ इस थाली को, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ रेडिएशन अपने हाथों पर। तो कुछ इस तरह से आप जिंक सल्फर रॉकेट फ्यूल काम करता आपने देखा, हालाँकि मेरे केस में काम नहीं किया क्यों और मैं इसे दोबारा से ट्राई भी नहीं करने वाला, मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।